जनता का संदेश यही कि आप लोग निश्चिंत रहें, जो आपके साथ 20 वर्षों से प्रतारण किया गया आपके साथ में वो नहीं होगा, आपको सम्मान मिलेगा, सम्मान के साथ आप यहाँ रहिएगा। और हर एक जनता जिस तरह से आपने मुझे मुखिया बनाया, अपना भाई समझ के, बेटा समझ के, बस उसे मुझे बेटा भाई समझे। बेगूसराय सदर अंतर्गत चांदपुरा पंचायत के वार्ड 6 और 7 में शनिवार को वार्ड क्रियान्वयन सचिव के चयन हेतु एक आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें वार्ड 6 में किसी कारणवश हंगामा हो गया। बता दें कि वार्ड 6 में आम सभा का आयोजन सामुदायिक भवन के पास किया गया, जबकि वार्ड 7 में आम सभा का आयोजन एक व्यक्ति के घर के आगे निजी जमीन पर किया गया। सुनिए पंचायत के मुखिया ने इस बारे में क्या कहा है। चुनाव करवा के जो उनके पास एम्बुलेंस जाएगा उसका जांच पड़ताल करके और देख लिखा है कि यहाँ 250 के संख्या में लगभग संजीव कुमार के पक्ष में और अदर के पक्ष में भी आए हुए थे सचिव के चुनाव करने के लिए, लेकिन वहाँ के कुछ लोकल पर्सन थे उनके कारण हल्ला गुल्ला के कारण चुनाव नहीं हो पा रहा था। लगभग 12 बजे का समय था, 12 बजे से लेकर लगभग 1:10 या 1:15 के बीच तक कोई चीज़, और वार्ड अध्यक्ष अपने लिए कुछ ना प्रस्ताव डायरी लाए थे ना प्रस्ताव पढ़े थे। उसके बाद सभी पब्लिक लोग वहाँ पे परेशान हो गए थे। लास्ट में वो कहे कि नहीं, हम लोग जाते हैं यहाँ चुनाव करवाने के लिए, यहाँ हल्ला गुल्ला करने के लिए पहुँचा हुआ है। तो मैंने भी पब्लिक का मूवमेंट देखा कि यहाँ खराब हो जाएगा, तो मैंने भी वहाँ उसी समय रद्द करवा दिया। और उसके बावजूद भी यदि वार्ड अध्यक्ष करवाए हैं तो उनसे उस चुनाव के बारे में जाँच पड़ताल की जाएगी। वार्ड 7 में निजी जमीन पर आम सभा रखा गया, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? यदि कहीं सामुदायिक भवन नहीं है तो वहाँ के मंदिर हो तो वहाँ पे होना चाहिए, सरकारी भवन हो कहीं पे तो होना चाहिए। और नहीं होती है तो नोटिस के अनुसार किसी निजी जमीन पे भी करवाया जा सकता है। उसके लिए एक न्यूज के जरिए आपको दबंग बताया जा रहा है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे लिए तो खुशी की बात है ना, यदि विपक्ष मुझे दबंग समझ रही है तो अच्छी बात है। मैं सिर्फ यहाँ के जनता, मेरे चांदपुरा के सभी जनता मुझे दबंग ना समझे, विपक्ष समझे, और मेरी खुशी की बात है कि वो दबंग मुझे समझते रहे। उनको ये समझ में आया कि कम से कम अरविंद कुमार दबंग है। उसके लिए जनता को क्या संदेश देना चाहिए? जनता का संदेश यही कि आप लोग निश्चिंत रहें, जो आपके साथ 20 वर्षों से प्रतारण किया गया आपके साथ में वो नहीं होगा, आपको सम्मान मिलेगा, सम्मान के साथ आप यहाँ रहिएगा। और हर एक जनता जिस तरह से आपने मुझे मुखिया बनाया, अपना भाई समझ के, बेटा समझ के, बस उसे मुझे बेटा भाई समझे। जिनके लिए मैं दबंग हूँ उनके लिए वाकई मैं दबंग हूँ। मेरा नाम अरविंद कुमार शाह है, मैं इसी वर्ष 2021 में संतुष्ट हैं। संतुष्ट हम नहीं हैं, हम चाहते हैं कि पुनर्मतदान हो और गुप्त मतदान हो, जो निष्पक्ष हो।